नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मासिक पत्रिका के नाम पर लाखों रुपए की ठगी, कई पंचायत के सचिव सरपंच हुए शिकार। ठगी का अनोखा मामला प्रकाश में आया है, जहां ग्राम पंचायत के सचिव एवं सरपंच को दो व्यक्ति, जो कथित तौर पर न्यू इंडिया भारत का संकल्प मासिक पत्रिका के प्रतिनिधि बनकर आए थे, उनके द्वारा ठगी कर लिया गया है। दरअसल सक्ती जिले के ढबरा ब्लॉक के लगभग 14 ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच इस अनोखे ढंग के ठगी का शिकार हुए, जहां दीप कुमार सिंह एवं उदित कुमार सिंह नामक व्यक्ति, जो कि न्यू इंडिया भारत का संकल्प, जो कि पंचायत से संबंधित गतिविधियों को प्रकाशित करता है, इसके प्रतिनिधि बनकर विभिन्न ग्राम पंचायत पहुंचे हुए थे। उनके द्वारा वार्षिक सदस्यता शुल्क के तौर पर 1,000 रूपए के चेक पंचायत से लिया गया। कुछ पंचायतों ने नकदी 1,000 रूपए देना चाहा, पर उन्होंने मना करते हुए चेक की मांग की। चेक प्रदाय करने के लगभग 10 से 15 दिन पश्चात सचिवों को पता चला कि उनके ग्राम पंचायत के खाते से 1,000 की जगह अलग अलग राशि किसी पंचायत में 31,000, कहीं 64,000 तो कहीं 84,000 आहरित कर लिए गए हैं। जब इसकी जानकारी उन्हें बैंक के माध्यम से पता चला, तब सरपंच सचिवों के थाने में शिकायत किया है। मामला पूरी तरह से चेक में छेड़छाड़ कर राशि बढ़ाई जाने का मामला है, जो कि राजधानी रायपुर के SDFC बैंक में दीपक दीप कुमार के नाम से राशि आहरित की गई है। सभी पंचायत की राशि का आकलन किया जाए तो 10 से 12 लाख रुपए इस पत्रिका के प्रतिनिधि के द्वारा सरपंच सचिव से ठगी कर ली गई है। इनके द्वारा दिए गए रसीद काफी से भी स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें भारत सरकार के 4 शेर वाले राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का दुरुपयोग किया गया है। इस मामले में अब सरपंच सचिव थाने, बैंक और जिला पंचायत में अपनी राशि वापस दिलाए जाने का गुहार लगा रहे हैं। ग्राम पंचायत भेड़ी कोना और फराड़ी का मैं पदभार में हूँ। अज्ञात व्यक्ति उदित नारायण जीत कुमार सिंह के नाम से घूम रहे थे पंचायतों में, और उनके द्वारा प्रत्येक पंचायत घूम घूम करके ठगी की राशि वसूल करते हुए मेरे भी पंचायत में आए, और उनके द्वारा कहा गया कि हम लोग मासिक पत्रिका न्यू इंडिया के नाम से प्रति माह ग्राम पंचायत में उपलब्ध कराएंगे और सालाना शुल्क 1,000 रुपये मांगा गया, जो कि हमारे ग्राम पंचायत फराड़ी सरपंच द्वारा 1,000 रुपये नगद दिया गया था, उनको मेरे समक्ष वापस किए। और उनके द्वारा कहा गया कि प्रति नगद राशि हमारे में नहीं चलता है, तो हम लोग 1,000 का आप लोगों को रसीद देंगे, और रसीद भी दिए हैं, और उनके एवज में 1,000 के बदले में मेरे ग्राम पंचायत भेड़ी कोना से 61,000 रुपये हरण किए हैं और ग्राम पंचायत पराड़ी से 34,000 रुपये हरण किए हैं। तो उन दोषियों के ऊपर में कड़ी से कार्रवाई हो और हम लोगों का राशि वापस मिलने की पात्र हम लोग चाह रहे हैं। लगभग डबरा जनपद में अभी 14 पंचायत शिकायत किए हैं, और पता चल रहा है कि और कम से कम 5-8 पंचायत ऐसी ठगी शिकार हुए हैं। दो व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति हमारे सचिव लोगों घर में जा जाकर कि 1,000 का मासिक पत्रिका न्यू इंडिया के नाम से पंचायत के बारे में छापेंगे करके 1,000 का चेक दिए थे, लेकिन उन लोगों द्वारा फर्जी तरीके से उनको किसी का 94,000, किसी का 84,000 राशि बढ़ाकर बैंक से आहरण कर लिया है, जिसके बैंक स्टेटमेंट लेकर हम लोग थाना में रिपोर्ट दर्ज कराए हैं, और सभी चाह रहे हैं कि जो दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कार्रवाई। आज सरपंच संघ द्वारा चेक जो अवैध रूप से किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा राशि कितना का चेक काटा गया, तो उससे ज़्यादा का राशि हरण कर लिया गया है, इस संबंध में आज ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इसके संबंध में सभी सचिव संघ के अधिकारीगण और सचिव लोग थाना प्रभारी को सूचना भी दिए हैं और विधिवत कार्रवाई के लिए उनको आवेदन भी दिए हैं। उनके द्वारा FIR लॉन्च किया गया है और उनके द्वारा जांच की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, और भविष्य में सचिवों को निर्देशित किया गया है कि इस प्रकार की धोखाधड़ी से बचे और किसी प्रकार का अवैधानिक रूप से चेक का काटने का कार्य ना करें। और इसका इसमें तो लेटर में उल्लेख नहीं किया गया है, और इनसे अपन जो है पत्र जारी करके माध्यम से सूचना लेंगे किस मत का राशि था, किस तरह से राशि जो है